मेरा नाम तस्कीर है और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ बोल्डेस्ट इन अप्रोप्रिएट सीन्स इन पाकिस्तानी ड्रामास 2023। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि लेटेस्ट ड्रामास में से कौन से ऐसे ड्रामास हैं पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान में बोल्ड सीन होना एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि इंडिया में हम बचपन से देखते आ रहे हैं बोल्ड होना बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था मूवीज़ में, ड्रामास में। तो पाकिस्तान में तो मेन चीज़ ड्रामास ही हैं, तो उसके अंदर देखते हैं कौन से हैं ऐसे टॉप 10 ड्रामास। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेहूदगी बेहयाई के सख्त खिलाफ हैं और इसे नापसंद करते हैं, और जब भी ऐसा कोई ड्रामा या फिल्म आती है तो उसका फौरन बायकॉट करते हैं। लेकिन इसी मुआशरे में ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो इस बेहूदगी और बेहयाई को बहुत पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे ड्रामे हमारी फिल्में इस तरह की बने जिसमें बेहद किस्म के गंदे सीन्स डाले जाएं, और ड्रामा मेकर्स इन्हीं बेहया लोगों को मद्देनजर रखते हुए इनकी ठरक पूरी करने के लिए ऐसे ड्रामे बनाते हैं, ऐसी कहानियां लेकर आते हैं और उनमें ऐसे ऐसे गंदे सीन्स दिखाते हैं। अगर हमारे बच्चे इस तरह के ड्रामे और कहानियां और गंदे सीन्स देखेंगे तो यकीन जाने आने वाले वक्त में उनके अंदर से ये एहसास ही खत्म हो जाएगा कि खानदान में किसके साथ हमारा क्या रिश्ता है और उसका क्या तकद्दस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ। दोस्तों, ये आजकल तादाद बहुत ज्यादा है, चल रहा है, जिसमें किंजा हाशमी, जाहिद अहमद और असफर रहमान मरकजी किरदारों में नजर आ रहे हैं। ड्रामे में दिखाया जाता है कि एक मासूम लड़की की मम्मी इसके कजन से हो जाती है और इनकी शादी में चंद दिन रह जाते हैं, लेकिन लड़का हवस का पुजारी होता है, इसलिए लड़की से रोजाना इसकी भरना तस्वीर और वीडियोस मंगवाकर अपनी आंखें ठंडी करता रहता है। फिर निकाह हो जाता है और चंद दिन बाद रुखसती होती है, लेकिन लड़का शादी से सिर्फ एक दिन पहले यानी मेहंदी की रात को ही लड़की के कमरे में अपनी हवस पूरी करने आता है और लड़की के ना मानने पर इसे तलाक दे देता है। ओह माय गॉड, दोनों शर्मिंदगी से बचने के ऐसा भी चल रहा है को खुफिया रखते हैं और चुपचाप रुखसती कर लेते हैं, और फिर कई दिन और रातें एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। और फिर जब इन दोनों का पोल खुलता है तो पहले तो लड़का इस्लाम के कानून को चैलेंज करते हुए कहता है कि गुस्से में तलाक नहीं होती, और फिर दोनों हलाला करने को भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल ग्रिफ्ट में दिखाया गया कि एक खूबसूरत नौकरानी अपने शरीफ मालिक पर डोरे डालती है, लेकिन जब इसको लिफ्ट नहीं कराता तो नौकरानी इसको बेहोश करके इसकी इज्जत लूट लेती है। अरे ये तो वो है, फिर पूरे ड्रामे में इसको ब्लैकमेल करती है कि मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी कि उस रात हमारे बीच क्या हुआ था, और बदले में अपनी तमाम नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करवाती है। नेक्स्ट है दरार। दोस्तों, दरार ड्रामा वो था जिसने बेहयाई की तमाम हदें पार कर दी। साली और बहनोई का नाजायज रिलेशनशिप इस ड्रामे में बहुत बेबाकी से दिखाई देती है। शहीद अहमद को एक ऐसा मर्द दिखाया जाता है जो अपने अंदर की दहशत को ठंडा करने के लिए बीवी के साथ साथ अपनी साली और इसके अलावा ऑफिस की वर्कर्स के साथ भी अपनी रातें रंगीन करता है। इसके अलावा अपनी बहन की नाक के नीचे जो घिनौना खेल सज्जल खेलती है वो भी बहुत बोल्ड अंदाज में दिखाया गया है। नेक्स्ट है वहशी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल वहशी में दिखाया जाता है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन लड़की अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है, और फिर लड़का इंतकाम लेने के लिए शादी की पहली रात इसके शौहर से पहले इसके कमरे में आकर इसकी इज्जत लूट लेता है और कहता है कि मैंने अपनी हार को अपनी जीत में बदल दिया, और दनदनाता हुआ वहां से चला जाता है और लड़की की जिंदगी बर्बाद करके अपने इस अमल पर जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। नेक्स्ट है आपका और हम सबका फेवरेट ड्रामा सीरियल तेरे बिन। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन इस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा है, लेकिन आप लोग माने या ना माने,
इस ड्रामे के सीन्स बहुत बोल्ड है, ड्रामे में बेडरूम के सीन्स बहुत ही बोल्ड अंदाज में दिखाए गए हैं। मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन इतनी ज्यादा बोल्डनेस दिखा दी कि ये ड्रामा आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम। दोस्तों बादशाह बेगम वो ड्रामा था जिसकी हाइप तो बहुत ज्यादा थी और मेकर्स का ये ख्याल था कि 2022 का सबसे बड़ा हिट ड्रामा होगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट क्योंकि ये 2022 का सबसे फ्लॉप ड्रामा था। हालांकि इस ड्रामे में वाहियात सीन्स डालकर इसको मसालेदार बनाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन फायदा कोई ना हुआ। ड्रामे की कहानी एक पीरनी के इर्द गिर्द घूमती है जो दुनिया के सामने बड़ी पारसा होती है, लेकिन रातें अपने आशिक के साथ रंगीन करती है और अपने आशिक को बहाने से अपना मुरीद बनाकर इसको हर वक्त अपने साथ रखती है ताकि दोनों एक दूसरे की ख्वाहिशात पूरी कर सके। इसके अलावा ड्रामे में एक वहशी और जंगली अमीरजादा दिखाया गया जो मुलाजमा पर गंदी नजर रखता है और इसको कई बार अपनी दरिंदगी और ज्यादती का निशाना बना चुका होता है। नेक्स्ट है मेरे पास तुम हो। दोस्तों मेरे पास तुम हो की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग अपनी जगह, लेकिन सच तो ये है कि इसकी कहानी भी बहुत ही बेहुदा थी। एक प्यार करने वाले शख्स की लालची बीवी सिर्फ पैसे की खातिर अपने ठरकी बॉस की रातें रंगीन करती है और फिर अपने मुखलिस शोहर से तलाक लेकर कई साल इस अमीर शख्स के साथ बगैर निकाह के गुजारती है। दोनों पूरी दुनिया घूमते हैं और हनीमून मनाते हैं वो भी बगैर निकाह के, लेकिन शादी नहीं करते। आपको क्या लगता है कि इतनी बोल्ड कहानियां दिखानी चाहिए थी या नहीं? नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल दिखानी चाहिए। दोस्तों ड्रामा सीरियल फितूर में दिखाया जाता है कि एक औरत अपने शादीशुदा कजन पर डोरे डालती रहती है कि किसी तरह ये मेरे शिकंजे में फंस जाए और मेरा हो जाए, और दूसरी तरफ इस शख्स की बीवी अपने सबका आशिक से अफेयर चलाती फिरती है। दोस्तों ड्रामा सीरियल दुल्हन में दिखाया गया था कि शोहर अपनी बीवी को शादी की पहली रात ही अपने कजन के हवाले कर देता है कि इसके साथ कजन के जो चाहे कर लो और बदले में इसको सिर्फ उसकी स्पोर्ट्स कार चाहिए होती है। पूरे ड्रामे में यही दिखाया जाता है कि वो हवस का पुजारी अमीरजादा इस लड़की की इज्जत लूटने के लिए इसके पीछे पड़ा रहता है और वो इससे जान छुड़ाती फिरती है। क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई बेगैरत शख्स कभी देखा है? नेक्स्ट है हकीकत। दोस्तों ए प्लस पर हकीकत के नाम से एक सीरीज चलती है जिसमें बेशुमार टेलीफिल्म लगती है और सारी की सारी बहुत ही वाहियात होती है। एक टेलीफिल्म में दिखाया गया कि एक लड़की अपनी बहन के मंगेतर को फंसा लेती है और इसकी दौलत की वजह से अपनी बहन को धोखा देकर इससे शादी कर लेती है और शादी के बाद अपने शोहर का पैसा उड़ाने में लग जाती है और शोहर को अकेला छोड़कर दावतों और पार्टीज में चली जाती है और शोहर घर की नौजवान और खूबसूरत मुलाजमा के साथ अफेयर चलाकर अपना टाइम पास करता है और मुलाजमा पहले तो काफी झिझकती है लेकिन फिर वो भी बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर देती है और दोनों न सिर्फ रातों को बल्कि दिन दिहाड़े भी रंग रंगिया मनाते हैं। इसके अलावा फिजा शीजा वाली टेलीफिल्म तो सबने देखी होगी जिसमें फिजा और शीजा जुड़वा होती है और दोनों की शक्लें इस कदर मिलती है कि सगे माँ बाप भी इनको पहचान नहीं पाते। दोनों की शादी एक ही दिन दो सगे भाइयों से होती है, लेकिन शादी की रात किसी दुश्मन की साजिश की वजह से दोनों के कमरे एक्सचेंज हो जाते हैं और फिजा शिजा के शोहर के साथ सुहाग रात मना लेती है, यानी अपने बहनोई के साथ। ड्रामे की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब थी और जिसने भी देखा ये ही कहा कि लानत है ऐसी कहानियों और ड्रामों का। तो दोस्तों जिन ड्रामों के बारे में मैंने आज आपको बताया उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता रहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे बहुत सारे बनते हैं जिनकी कहानियां इतनी अच्छी होती हैं कि जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देखें तो उनकी कहानियां हमारे दिमाग पर नक्श हो जाती हैं और हमारे बच्चों को उससे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। लेकिन ऐसा वक्त आ गया है कि हमारी फैमिलीज हमारे बच्चे ऐसी कहानियां देखते हैं और खानदान के लोग उनके साथ बैठकर देखकर बड़ा खुश होते हैं, लेकिन मैं जब भी ऐसे ड्रामों के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो ये सोचकर उठाता हूं कि आने वाले वक्त में बच्चों के अंदर से ये एहसास ही ना खत्म हो जाए कि उसको पता ही ना चले कि मेरा
अपने खाला के साथ क्या रिश्ता है, मेरी अपनी साली के साथ क्या रिश्ता है, मेरी अपनी सास के साथ क्या रिश्ता है, मामी के साथ क्या रिश्ता है, इन रिश्तों का वो तकद्दुस ही भूल जाए और उसके दिमाग में वही चलने लग जाए जो आजकल बहुत सारी टेलीफिल्म्स में दिखाया जाता है, बहुत सारे यूट्यूब पे देवर भाभी के रिश्तों में दिखाया जाता है, खाला चच्ची के साथ दिखाया जाता है। और हमारे बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने बच्चों को मोबाइल देखकर ये भूल जाते हैं कि ये यूट्यूब हो गया या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं जिसकी वजह से हमारे आने वाली नस्लें बर्बाद हो सकती हैं। दुनिया कहती है कि हम पाकिस्तानी सबसे बहुत पीछे हैं, तो मैं फख्र करता हूं कि अगर हम बेहयाई में या फिर इन तमाम चीजों में दुनिया से पीछे है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पीछे रहना ही बेहतर है। और आप भी अपने बच्चों को जब भी कोई ड्रामा या फिल्म दिखाएं तो उस कहानी के बारे में पहले खुद जान लें, क्या हमारे बच्चों को वो ड्रामा या वो कहानी देखने के बाद कुछ हासिल होगा या फिर वो जहनी तौर पर बर्बाद होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। गला बहुत ज्यादा खराब था लेकिन क्या करें, अपना काम करना है और आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। टॉपिक की कि वल्गैरिटी, इनएप्रोप्रिएट सीन्स और गंदे सीन्स जो पाकिस्तानी ड्रामास में दिखाए गए हैं, तो सबसे पहले मैं बोल्ड सीन की बात करूं तो एक टॉपिक है, बोल्ड सीन दिखाया जाएगा, एक टॉपिक के अंदर अगर रिक्वायरमेंट है तो दिखाया जाएगा। मेरे पास तुम हो में वो एक रियलिटी थी, मुझे लगता है कुछ जगहों पे इन्होंने सही बातें कही हैं कि ये सीन नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर वो सीन नहीं दिखाएंगे तो जो अडल्ट लोग हैं, आप मेरे जैसे जो बच्चे नहीं हैं अभी 10-12 साल के बच्चों को दिखाओ ही मत, कुछ और दिखाओ, उनके मतलब की चीज़ें दिखाओ। ये तो फैमिली वालों पर डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी हद तक लिमिट में दे रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड तो वो घर वाले कर रहे हैं ना उसको, बच्चों को। सो ये टॉपिक मेरे हिसाब से सारे टॉपिक जो हैं वो दिखाने चाहिए ताकि रियलिटी लोगों को पता चले। हाँ, उससे कुछ लोग निगेटिवली भी ले जाते हैं कि एपिक बनाया जाता है ड्रामास में, मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी ड्रामास में, कुछ ड्रामास ऐसे होंगे जिनमें बहुत वल्गैरिटी दिखाई गई होगी कभी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा दिखाया नहीं जाता पाकिस्तान में, सब कुछ सब लोग देख सकते हैं। तेरे बिन में इन्होंने बोला, मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसे वल्गर सीन थे या फिर बोल्ड सीन थे, अभी तक मैंने तो नहीं देखा, मतलब बहुत सारे सीन्स देखे मैंने, ड्रामा नहीं देखा अभी तक। तो मेरे पास तुम हो में ऐसे कोई वल्गैरिटी नहीं थी, बस एक कैरेक्टर था जो हमारे आसपास होते हैं ऐसे कैरेक्टर, जो सच्चाई है जिसको दिखाकर जिसका हशर दिखाया गया है कि उसका क्या हाल होता है लास्ट। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ है ड्रामास में आज तक। शीज़ा फीज़ा की कहानी जो थी वो भी एक फ़नी टाइप का टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा था मुझे, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, अभी मुझे पता चला कि ऐसी स्टोरी थी कि कोई और होता है उसके साथ चली जाती है। लेकिन हाँ, बोल्ड सीन दिखाए भी जा रहे हैं तो उसके पीछे की कहानी है कि ये सब कुछ होने के बाद उस इंसान का क्या होगा जिसने गलत किया है। तो ये मेरा मानना है भाई, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको क्या लगता है इस सब के बारे में, ये ऐसे सीन्स डालने चाहिए ड्रामास में या नहीं, क्या लगता है आपको, या फिर हमें खुद के बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि भाई तुम इन चीज़ों से दूर रहो। एंड करता हूँ इस वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।